हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम आईएमडी की स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019 वाली रिपोर्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये रिपोर्ट आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगी ही, साथ में मेंस में जब आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई या क्लाइमेट से रिलेटेड कोई अगर आंसर लिखते हैं तो उसमें जो डाटा है वो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। वेदर स्ट्रीम्स जो इवेंट्स हुए 2019, एक ईयर रहा एक्सट्रीम्स के लिए, हीट, कोल्ड, रेन, साइक्लोन्स, हर तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। एक्सट्रीम ठीक है, हीट हमेशा होती थी, कोल्ड हमेशा होती थी, रेन हमेशा आती थी, साइक्लोन हमेशा आती थी। 2019 जाना जाएगा एक्सट्रीम के लिए, ये सब चीज़ें एक्सट्रीम तरीके से आई हैं। 1562 लोगों की मृत्यु हुई है पिछले साल, इन्हीं कारणों की वजह से जो डेथ थी वो 1428 थी, अब बढ़कर 1562 हो गई है। स्टेट वाइज डेथ टोल की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में सबसे ऊपर है, झारखंड है, फिर यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर केरला है, फिर आप देख सकते हैं। टॉप थ्री याद कर लीजिए, महाराष्ट्र झारखंड और यूपी। रेनफॉल की मैं बात करूं तो रेनफॉल जो है अच्छी रही है, देखा जाए तो 109% रही है लॉन्ग पीरियड एवरेज का। अब लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, देखो रेनफॉल जो है एक्सेस हुई है एंटायर ईयर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बात है। जो रेन वाटर है, एक तो सारे रेन वाटर को आप पानी के पीने के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो दूसरी बात ये एक्सट्रीमली तरीके से आई है और कभी इसका जो है असेसमेंट ढंग से नहीं हो पाया कि रेनफॉल कब कब आएगी, समझ रहे हो। एक तो टाइम फिक्स नहीं कर पा रहे, फोरकास्ट नहीं कर पा रहे, हाँ फोरकास्ट हो पा रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रहा। दूसरी बात एक्सट्रीमली आई है, इससे फ्लड्स ज़्यादा हैं ठीक है। अब लॉन्ग पीरियड एवरेज का 109% आई है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब है कि पिछले इंडिया के 50 सालों का मॉनसून मैं देखूं, मॉनसून से बारिश देखूं, तो 50 सालों का एवरेज निकालूं तो कितना है। तो अभी हमारा एलपी अगर मैं देखूं 2019 का तो 89 सेंटीमीटर है 1951 से। अच्छा 1951 से 2000 की बात हो रही है, ध्यान रखना 1951 से 2000 तक की बात हो रही है। इन 50 सालों में करंट एलपी 89 सेंटीमीटर है ना। अभी इस 89 सेंटीमीटर का से ज़्यादा बारिश हुई है हमारी, 109% जो है बारिश निकल के आई है लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल दोनों मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, एक होता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर तक आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक आता है। टेम्परेचर बढ़ा है, देखो टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तो है बढ़ती जा रही है। हालांकि एक खुशी की बात यह है कि जो ओजोन होल का जो ओजोन होल था वो अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है ठीक है। तो कुछ कारणों की वजह से वो सिकुड़ता जा रहा है, कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड जो है एक्शंस लिए गए थे सीएफसीज को कंट्रोल करने में। हालांकि टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है। 2019 सेवन्थ हॉटेस्ट ईयर रहा है एवर रिकॉर्डेड, सेवन्थ हॉटेस्ट ईयर। ये जो दशक रहा ना हमारा 2011 से 2019, ये देश में सबसे गर्म रहा है ये दशक, डिकेड। टेम्परेचर बहुत बढ़ा है। अगर 1901 की मैं बात करूं तब से तो 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ गया इंडिया का, और पूरी दुनिया की मैं बात और मिनिमम टेम्परेचर आप देखोगे तो सेंचुरी में 0.22 डिग्रीज था। ये बातें आपको याद नहीं करनी, बिल्कुल भी याद नहीं करनी। ये बातें आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं और ये जानना जरूरी भी। साइक्लोन्स, देखो साइक्लोन्स के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। 2019 में साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा आए, काफ़ी ज़्यादा मतलब जहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वहाँ वहाँ भी आए। इस तरीके की सिमिलर साइक्लोनिक एक्टिविटी इंडियन ओशियन में 1893, 1926, 1930 और 1976 में ही देखी गई। उसके बाद से डायरेक्ट 2019 में इस तरह की एक्टिविटी देखी गई है इतनी भयानक। इन सालों की जो हम बात कर रहे हैं ये ठीक है, इनमें और 2019 में साइक्लोन्स अरेबियन सी में भी आए और बे ऑफ बंगाल में भी आए। इस साल हमारा अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अरेबियन सी ने काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन स्टॉर्म्स देखे। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, चौंकाने वाली बात यह है कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स आते नहीं हैं,
बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, और इस साल उल्टा हो गया, बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा अरेबियन सी में है। क्योंकि देखो साइक्लोन्स आने के लिए एक कंडीशंस ज़रूरी होती है, फेवरेबल कंडीशंस ज़रूरी होती हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बनने के लिए। जैसे कि लार्ज सी सरफेस होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने चाहिए, कोरलिस फोर्स आपकी मौजूद होनी चाहिए, वर्टिकल वेंड स्पीड में स्मॉल वेरिएशंस होने चाहिए, कुछ कुछ वेरिएशंस निकल के आने चाहिए, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, और सी लेवल सिस्टम के ऊपर अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ जाएगी अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होंगी तो। ये कंडीशंस होनी चाहिए तब जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। अरेबियन सी में कंडीशंस नहीं बनती हैं, बे ऑफ बंगाल में बनती है। हालांकि फिर भी अरेबियन सी में जो है साइक्लोन्स निकल के आए। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। 117 सालों में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स इस साल आए हैं। याद कर लो, प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरेबियन सी की मैं बात करूं तो अरेबियन सी में साइक्लोन्स आए वायु, हीका, क्यार, महापवन। वायु, हीका, क्यार, महापवन। पवन एक माइनर साइक्लोन था, बाकी के चार मेजर साइक्लोन हैं। वायु वेरी सीवियर साइक्लोन था, हीका भी वेरी सीवियर साइक्लोन था, क्यार सुपर साइक्लोन था, और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन आपका महा था। ये सारे के सारे आपके अरेबियन सी में आए थे, ये आपको याद रखने हैं। बाकी बे ऑफ बंगाल की मैं बात करूँ तो कम साइक्लोन्स आए, उल्टी चीज़ हो गई, पाबुक, फानी, बुलबुल। बे ऑफ बंगाल जो है एवरेज ऑफ 5 साइक्लोन्स देखता है हर साल, ठीक है, लेकिन अभी इस साल 3 आए, साइक्लोन्स पाबुक, फानी और बुलबुल, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये काफ़ी कोल्डेस्ट रहा है, 2018 और 2019 कोल्डेस्ट विंटर गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में, अगर लद्दाख में बात करूँ मैं, जो कि जम्मू कश्मीर में अब तो खैर अलग यूनियन टेरिटरी है, 51 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। एवलेंचे जो हुआ था 2019 में, जो आपकी लैंडस्लाइड्स होती है ना, उस तरीके से एवलेंचे होता है, ठीक है। एवलेंचे से लैंडस्लाइड से अलग होता है, लेकिन होता उसी प्रकार का है कि जब मड वेजिटेशन पहाड़ पे मिलके जब पहाड़ से नीचे गिर जाती है गोल गोल घूम के, उससे मौतें काफ़ी ज़्यादा हुई। लद्दाख में करीब 51 मौतें हो गई। आईएमडी की मैं बात करूँ, देखो आईएमडी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने ये तो पढ़ लिया साइक्लोन्स के बारे में क्या क्या है। इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहे थे हम, प्रिलिम्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि 3 साइक्लोन्स आप याद कर लो। एक, अब देखो आपको पता है कि साइक्लोन्स इंडियन ओशन में कहते हैं, हुरिकेन्स अटलांटिक में कहते हैं, टाइफूंस वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में कहते हैं, विली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। तो अभी हुरिकेन जिसको अटलांटिक में कहा जाता है, अटलांटिक सी में, तो अटलांटिक ओशन में, तो हुरिकेन डोरियन आया था बहामाज में, हुरिकेन डोरियन आया था बहामाज में। नकरी जो है साइक्लोन आया था वेस्ट फिलीपींस में, ठीक है। और सुपर टाइफून कहाँ कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में। तो टाइफून, सुपर टाइफून हालोंग आया था, सुपर टाइफून हालोंग वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, सुपर टाइफून हालोंग आया था वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। तीनों याद रख लेना, मैं रिपीट कर देता हूँ, नकरी वेस्ट फिलीपींस सी में आया था, हुरिकेन डोरियन बहामाज में आया था BAHAMAS, सुपर टाइफून हालोंग आया था वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन। बाकी अरेबियन सी के मैंने बता दिया आपको, वायु, हीका, क्यार, महापवन, और बे ऑफ बंगाल के बता दिए मैंने, बुलबुल, पाबुक और फानी, है ना। आईएमडी के बारे में जानना जरूरी है। देखो आईएमडी 1875 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की एजेंसी है, प्रिंसिपल एजेंसी है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोर्सकास्टिंग और सिस्मोलॉजी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इस साल, हालांकि रिपोर्ट से इसका लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी 1993 में आया था, 1993 में। देखो आईएमडी कब आ गया था, 1875 में आ गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी 1993 में आया था एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये ऑटोनोमस सोसाइटी है, 1993 में आ गया था। इसका एम क्या है, इस तरह की इंडिजिनस स्वदेशी टेक्नोलॉजीज बनाना ताकि वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके
और इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो करीब 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का, यानी पानी में कितना जो पानी वाला जो एरिया है ना किनारों पे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको कहते हैं, कितना इंडिया के अंडर आता है ना, तो उस पर लिविंग सोर्सेज और नॉन लिविंग सोर्सेज के किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का काम है ना। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।